नजीर पर अखा कराची की लड़की मरती है। यहाँ भी ड्राइवरी कर रहा है तू? नहीं नहीं झाड़ उड़ाता हूँ। अब एंटी क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? खालिजान थालियाँ क्या रखे? ये मेरे सिर पे रख दे। भाई जाहिर सी बात है यही कहीं रख दे। मुझे तुमसे नफरत है। I hate you. I hate you के बाद में हीरोइन बोले I love you। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल बार बार मोबाइल खड़ी है। मैं तुझे ठुड्डे मार कर लेके जाऊंगी तेरे गेट के आगे से और बाकी ड्रामा आगे होगा जाके। पुलिस और सरदारों ने मिलकर रानी और उसके बाप का हुक्का पानी बंद कर दिया। ए अकेला, ये पुराने गानों वाला चैनल नहीं आवे आजकल? हाय खाला, रमजानों की वजह से बंद कर दिया होगा। अच्छा, अब वो जो बेहूदा बेहूदा इश्तहारात चले हैं वो कुछ नहीं? सुनियो अकेला, अगर बाजार जा रही है तो मुझे लता गीता दत्त सुरैया और नूर जहान के पुराने गानों की डीवीडियां ला दीजियो। ए भाई, तबीयत भारी भारी हो गए है और डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा है। ए खला, यहाँ कहाँ इन पुरानी गायिकाओं की कैसेट मिलेंगे? हाँ अलबत्ता मिल जाएगा। और बाकियों के लिए ना रेम्बो सेंटर जाना पड़ेगा। हाँ तो चली जाइयो मौलवी के पास, तेरे मोटरसाइकिल तो होगी। ए लटकती हुई चली जाइयो। अरे खला, उसके पास तो मोटर है लेकिन आजकल खराब है। अच्छा तो बस में चली जाइयो, 5 रुपये ले लीजियो मुझसे। 5 रुपये आने जाने के? किन जमाने में रह रही हो तुम? हाँ तो जितना किराया हो ले लीजियो मुझसे। बड़ा मूड हो रहा है पुराने गानों का आज। यहाँ पे माजी अजाब है या रब। मैं तो हूँ अकेला, तुझे पैसे ठहर जा। अजन कहाँ गए? सुनियो वापसी में ना सौदा भी लेते आइयो। राशन खत्म हो गया है ना। जने लौंडियों को क्या हुआ है इन रमजानों में, जब देखो अंडे परांठे तले जावे हैं, बालाई पे शकर बुरक के पोरियों से ठूसा जा रहा है। और सबसे बड़ी अनाज की दुश्मन तो तू है अकेला। थोड़ी दिन बर्दाश्त कर लो, फिर तो ये घर छोड़कर मुझे मौलवी साहब का घर आंगन बसाना है। जुमला दुरुस्त कर दे अकेला, घर आंगन बसाना नहीं उजाड़ना है। खाला, मौलवी साहब तो दीवाने हैं, मेरे दीवाने। कहते हैं अकीला बानो, सुख रंग तो आप ही के लिए बना है। एक तो यूं भी आप गोरी बबू का, ऊपर से गहरे रंग की तासीर से आपका चेहरा सुर्ख अनार की तरह होता है, दहकने लगता है। भाई ऐसी खुदरफ्तगी से अल्लाह बचाए। ए मुझे तो घिनावे तेरी ऐसी झूठी तारीफों से। ए तू है क्या चीज अकीला जो इतना इतरावे है? बथुए का साग किन सागों में, खाली सास किन सासों में। खाला माफ करना, मैंने तुम्हें हमेशा सगी बेटी बनकर दिखाया, मगर तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए हमेशा हसर जलन नहीं रही। हाँ अगर मैं मामूली सूरत की लड़की चीचक ज्यादा होती ना तो शायद तुम्हें कोई शिकायत नहीं होती। वो क्या कहते हैं ना कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शह है, जिसने भी डाली बुरी नजर ही डाली। ए अल्लाह की शान, इन जैसी जाहिल गंवार औरतें भी अब आशार सुनावेंगी। अकेला तू ज्यादा खुद को वफादार न साबित कीजियो। मैं जानू अच्छी तरह जानू तेरी औकात को, और मैं ये भी जानू बटोरे में से उपले ही निकले। अच्छा सुन अकेला, बाहर बरामदे में जो नेमत खाना है, खामोशी से जइयो इधर उधर देख के, उस पे अखबार बिछाए, उसके अंदर 500 रुपए रखे, वो ले ले जाके। और सुन, रिक्शे में मत बैठ के आ जाइयो, किसी गधा गाड़ी वाले को पटाइयो, वो तुझे छोड़ जाएगा। तुम्हें तो खुदा ही पूछे खाला।
मकसूद, आप शहरी में दूध जलेबी दो पराठे फैनी खजला डकार चुके, फिर भी आपने रोजा नहीं रखा। बिल्कुल चिड़िया घर में बंदर के जो बच्चे होते हैं ना, वही लग रहे हैं। उन्हें भी ऐसे ही फीडर में दूध पिलाया जाता है। प्लीज ग्रॉप मकसूद, प्लीज ग्रॉप। हमें फीडर से दूध पीने में बहुत मजा आ रहा है। ओह गॉड, यू आर सो चिल्ड्रन एंड वेरी वेरी अबनॉर्मल। कभी कभी तो दिल चाहता है कि आपको एक बच्चे की तरह एडॉप्ट कर लूं, आपको थपक थपक कर अल्लाह करूं, और अगर आप बहुत ज्यादा रोने लगे तो गुस्से में आकर आपको 3-4 चमाटे लगा दूं, और फिर दोबारा कंधे पर टिका कर मेरा मुन्ना मेरा लाल कहने लगूं। मकसूद, ये सोच की कौन सी मंजिल है जहां बीवी को अम्मी जान कहलाने की हाजत महसूस हो रही है। प्लीज डिस्क्राइब करें, क्या मेरे अंदर ममता का समंदर ठाठे मार रहा है, या मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी सी है। रूह अफ़ज़ा, तुम्हारे अंदर का तेजी व तमीज की कमी है ना? नहीं नहीं मेरे मुन्ने, अगर क्या तेरे मुंह पर खबासत और मकरूहपन के मिले जुले असरात ने तेरी मासूमियत को मलिया मेट कर दिया है, मगर मैं फिर भी तेरे लिए ठंडी छांव बनी रहूंगी। मामा निठनिया छांव, माँ की दुआ जन्नत की हवा। बहुत दिया रूह अफ़ज़ा, खबरदार रूह अफ़ज़ा, अगर तुमने माँ बेटे का रिश्ते का बात किया उन्हें निकाह टूट जाएगा। So what? I am not worried. मकसूद, मेरे लिए हैंडसम लड़कों की कोई कमी नहीं है, मगर मकसूद मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रूह की गहराइयों से इस कदर उदास क्यों हूँ। ये कैसी कमी है, ये सब कुछ क्या है, प्लीज एक्सप्लेन करें। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। शाहीना फुर्की के मुंह मत लगना, नहीं तो मैं तेरे शौहर को बता दूंगी तू पहले से ही शादीशुदा थी। और तूने ये बात मकसूद भाई से छुपाई है। कल ही जोड़िया बाजार में तेरा साहब का शौहर परवेज काणा मिला था मुझे। परवेज काणा? कह रहा था भाई बहुत महंगाई हो गई है, हीरोइन की पुड़िया की एक कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। मैं तो ये दो बच्चे रूह अफ़ज़ा को वापस कर दूंगा, मुझसे नहीं संभलते, भिजवा दूं तेरे बच्चों को तेरे पास। मकसूद, मुझे बच्चे याद आ रहे हैं। किसके? कुत्ते के। गली में 3 नन्ना नन्ना पिल्ला अपनी माँ के साथ पड़ा हुआ है, तुम फिक्र मत करो, एक उठा के ले आएंगे। मकसूद, कभी कभी तो आप मुझे बिल्कुल उठाई गिरी बच्चे उठाने वाली माई लगते हैं, जो लोगों के जिगर गोशे नाच नाच कर उनसे अलहदा कर देती। रोने दीजिए मकसूद, मुझे रोने दीजिए। अल्लाह, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, छोड़ दीजिए, मत चुप कराइए मुझे, नहीं होना मुझे चुप। मुझे नहीं रोना, मुझे मत रोकिए, मुझे रोने दीजिए। खला, मेरे 10,000 रुपए गायब हैं अकेला। तो
मुझे क्यों चुपती हुई नजरों से देख रही हो? मैंने तो नहीं लिए। इसलिए कि तू चोरों की रानी है, वो उड़न जोगी है अकेला कि जिससे मुझे कभी फैज न पहुंचा। खाला ऐसी तोहमतें तो ना लगाओ, अल्लाह की कसम मैंने नहीं चुराए हैं। चल चल बड़ी आई बेसवा सत्ती ना कागा जत्ती, इस बार मैं न छोड़ूंगी किसी को, जिसने मेरे 10,000 रुपए चुराए मैं तो हलक से खींच के निकाल लूंगी। खाला मुझ पे तुम मत ना लगाए। चल अकेला तुझे तो मैं कमरे में बंद करूं, आए तेरे जैसे आदि चोर तो मौके पे फरार हो जाए। अरे छोड़ो, मैंने नहीं चुराए। चल मैं बताऊं तुझे, अरे चल मैं बंद छोड़ो, मैंने नहीं चुराए। खाला खोल दो दरवाजा, मैं बेकसूर हूँ। खाला खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, मैं बेकसूर हूँ। खाला ये बुढ़िया, मेरी ब्रांडेड नेल पॉलिश का सत्यानाश कर दिया तुमने। मैं एक एक रुपया वसूल करूंगी नेल पॉलिश का। ए पत गुबड़ी, पैसा वैसा बाद में वसूल करना, पहले ये बताओ कि तुम्हारा नजीर के साथ क्या चक्कर है। मोहल्ले वालों ने भी नजीर का शिकायत किया है कि वो उनकी बहू बेटियों को देख के बेहुदा बेहुदा इशारा करता है, गंदा गंदा गाना गाता है। बात यह है कि मोहल्ले की सारी औरतें खुद पीछे पड़ी हुई है नजीर के। मैं अच्छी तरीके से जानती हूं उसे, वो एक वक्त में सिर्फ एक लड़की के साथ संजीदा हो सकता है। नजीर वन मैन वुमन है। तू एक लड़की कौन है? तू एक लड़की तू है। हम तो ऐसा बदमाश लड़की हरगिज़ नहीं हो सकता है। तू लड़की है तो क्या हुआ, लड़की और औरत में क्या फर्क होगा? हाँ। एक भिखारी पार्टी ने दूसरी भिखारी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ए नन्नी फन्नी, क्या दामाद बनाने के चक्रों में फांस रही हो इसको? अब ऐसा बात भी नहीं है, हमरे वास्ते ये गवाना नहीं है। अल्लाह मियां का बनाया हुआ चीज को बुरा नहीं कहना चाहिए, पर बुनरिया की चेहरा को देख के हमको लगता है कि जैसे इससे पहले का जन्म में बुनरिया को पागल उगल होगा। इसका चेहरे पर कितना पागलपन है ना। अभी ये जाहिल हम एफए थर्ड डिवीजन, ये गवारन हम स्टाइलिश, कोई जोड़ी ना ही है। हाँ अगर रूह अफ़ज़ा भाभी जैसा उम्दा अंग्रेजी बोलने वाला होता ना, तो चाहे उसका दांत रूह अफ़ज़ा भाभी जैसा होता, हम जरूर उसको अपना लाइफ पार्टनर बना लेते। माशरा में हमारा भी इज्जत होता ना। यही तो प्रॉब्लम है, इस कौम से सच बर्दाश्त नहीं होता। आपने पहली बीवी को तलाक नहीं दी ना, तो मैं आपसे हरगिज़ हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मोटी ढब्बो हो गई है, फिर कॉल करूंगी। अकेला फोन बंद कर। ओके बाय। ओहो अकेला मैडम तो खूब बाय बाय करें, उस मौलवी के पास बड़ा टाइम है, जब देखो फोन पे लगा रहे हैं।
अब कौन सी तोहमत लगाने आ गई हो? हियां मेरी बच्ची। पहले प्यार से पुचकारती हो और फिर जब नजदीक आती हो तो मुंह पे थप्पड़ रसीद करती हो। बंदा बशर हूँ, गलतियों से मुबर्रा हरगिज नहीं हूँ। मैंने तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चोर तो कोई और है अकेला। तूने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, गरीब जानकर मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब इतनी भी पारसा मत बन, चोर की बच्ची तो तू है ही, मगर ये चोरी तेरे नेटवर्क से नहीं हुई बल्कि रूह अफ़ज़ा के नेटवर्क से हुई है। जजा के बुला के लिया उसे, शकूरन न छोड़ेंगे किसी को। जाती हूँ, जा रही हूँ। जो झूठी तो मैं तूने मुझ पे लगाई है ना, रोजे हशर में मेरा हाथ होगा तेरा गिरेबान, मैं तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हाँ भर गया था, वही निकल लिया था। मर्दों की बेवफाई ने बदरका जहां का जिगर छलनी छलनी कर दिया है। मर्द साले ऐसे ही होते हैं मेरी बदरी। खजिस्ता जहां का गम क्या कम था, जो अब शगुफ्ता जहां भी हमारे बीच जान टपकी है। बैठ जा बदरी, बैठ जा। देख मेरी 1970 की बोसीदा हीरोइन, जमाना बहुत कमीना बहुत जाहिल हो गया है। हीरो उसी हीरोइन को मिलता है जिसके पास रोकड़ा हो। ये गुर्बत तो ऐसी टीवी ज़्यादा लूड़िया है, अल्लाह माफ करे, हर कोई इससे दूर भागता है। और नज़ीर साहब को तो इससे इतनी नफरत है जितनी साली अपने बचपन में अपनी पढ़ाई से थी। स्कूल में ना सातवीं जमात में अपने मास्टर के पेट में छुरा घूम दिया था मैंने। 3 साल लांडी की बच्चा जेल में रहा अपना नज़ीर जी। कितने खतरनाक थे आप बचपन से ही नजीर। एक बात सुन ले कान खोल के, आज से टाटा बाय बाय, अपुन सिर्फ शगुफ्ता जहान का है। मैं साथी के बाद अब अपुन का वोट सिर्फ गेने को जाएगा। आवे आवे नजीर। संदिल बेवफा कठोर, तू तो वो नजीर लौंडा है जिसकी वजह से तेरी मैया ने नुकसान पर नुकसान उठाया है। ये तू है जिसने घर में अजीब बेहया बेगैरत औरतों और चोर औरतों को घुसाया है। मैं नाहक उस गरीब अकीला पे शक कर बैठी। ये ठीक है कि छोटी मोटी चीजें ही हुआ कर लेवे है वो, मगर उसने कभी इतनी खतीर रकम चोरी न की। मैं खत्म करूँ ना इस बात को, कि ऐसा ना हो कि बात बहुत दूर तक जा निकले। मैं तो कहूँ निकले ये बात गली गली महल्ले महल्ले, 10,000 मेरी जेब से गए भाई, नुकसान मेरा हुआ। अम्मा जो गया सो गया, तुम्हें पता नहीं अम्मा, रूह अफ़ज़ा बाजी बहुत खतरनाक औरत है। सोचो जरा, शाइना फुर्की जैसी खतरनाक पुलिस वाली उसकी दोस्त है। खामा खा तुम जेल में चक्कियां पीस रही होगी और मैं वहाँ की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखा रही होंगी, सिखा रहा हूँ। हमारी बिस्मिल्लाह और हम ही से छू। ए मैं न डरूं तेरी रूह अफ़ज़ा और उसकी वाहियात सहेली फुर्की से, मैं तो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। अरे अम्मा तुम्हारी जान का सदका गया। ए मैं ना दूं किसी को सदके में 10,000 रुपए, 5-10 रुपए की बात दूसरी है। ए वो तो आदमी दिल पे पत्थर रख के देवे। चल जाके मेरे लिए लाल शरबत लाइयो, बर्फ खूब कुचल कुचल के डालियो। नजीर
जी शकूरन आंटी, आपने मुझे याद किया। रूह अफ़ज़ा, मैं अभी थाने फोन लगा रही हूँ। खैरियत? खैरियत की बच्ची, सीधी शराफत से मेरे 10,000 ढीले कर दे। तू इतनी बड़ी चोर की बच्ची होगी, मैंने सोचा भी ना था। मैंने आपके पैसे चुराए? एक रॉयल फैमिली की लड़की से ऐसा सवाल करने की आपकी जुर्रत भी कैसे हुई? एक लम्हे को भी आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाई? आपके दिल में यह अंदेशा पैदा ना हुआ कि ऐसा सवाल करने की आपको कितनी भारी कीमत देनी पड़ेगी? अरे धमकी दे ना मुझे। इससे पहले भी आपके घर में चोरियों का रिकॉर्ड खासा हौसला अफजा है। आपकी दोनों बेटियों समेत वदूद भी इन्हीं सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है। फिर आपने अपने लरसते कांपते फालिज ज़दा मुंह से सारा मलबा मुझ पे क्यों गिरा रही हैं? ये फालिज ज़दा कब का पाता लरसता मुंह होवेगा? तेरी उस हिजड़ा नोमा माँ का, तेरे बाप का, तेरे पूरे खानदान का। सही कहवे थी मेरी जन्नती माँ के कमी कमीनों से ऐसे बचियो जैसे छूत के मरीजों से बचे हैं। मैं तो बुलवाऊंगी ही या पुलिस, इंशाल्लाह जब पुलिस की मर्दाना खौफनाक शकील वाली मस्तूरात ये तुझे मारती पीटती घसीटती हुई मोबाइल तक लेकर जावेंगी ना, तब तेरी नाम निहाद इज्जत का पालूदा निकल जावेगा। ओके, आप अपना शौक पूरा कीजिए, मैं भी शाहीन फुर्की को बुला लेती हूँ ताकि वो आपकी तबीयत अच्छी तरह साफ कर दे। आज दफा हो जा बोला। ओके शाहीन फुर्की। ये तो बच्चू अभी ट्रेलर है, असल फिल्म लॉकअप में चलनी है। जुलेखा, देख के मैं पानी उबाल और मिर्चियों का डब्बा भी वहां रख देना। रमजानुल मुबारक का एहतराम कर रही हूँ, वरना तूने तो मेरी गालियों से मर जाना था। हमको सब इलम होता है, सब पता होता है तुम्हारी करतूतों का। मुझे क्या पता था कि वो मोटी औरत डीएसपी की बीवी है? पता है उसने मेरा इतना महंगा फाउंडेशन जो मैं बैंकॉक से लाई थी ना, शीशी तोड़ दी थी उसने। मैंने तो उसे सिर्फ झिड़का था, उसने मुझे इतनी मोटी गाली बकी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने एक जापर रसीद कर दिया। तूने डीएसपी की बीवी को नहीं, अपने मुकद्दर को चंबा मारा है। तेरे पार्लर में तो बड़ी मशकूक सरगर्मियां चल रही थी शादा ब्यूटी पार्लर वाली। ना जी ना, तेरी खैर नहीं, तू तो लम्बी गई, तेरा तो केस बड़ा लंबा चलेगा, जेल जाएगी तू। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। पता है इस दफा ना 3-4 मर्दों ने मुझे शादी की यकीन दहानी कराई है। इतनी बड़ी बदनामी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। खुदा के लिए ऐसा मत करना। बदनामी बहुत होगी। शाम को मेरे पास वैसे भी टीवी चैनल वाले और अखबारी रिपोर्टर आ रहे हैं, सब कहते हैं शाहीना फुर्की कोई चटपटी खबर निकाल दे। मेरा पर्दा रख लो। कितना देगी? 20,000। 20,000? हम कोई भिखारी हैं, फकीर हैं हम? 50,000, पूरे 50,000 ठीक है ना? इससे ज्यादा खुदा की कसम अफोर्ड नहीं कर सकती। पॉलर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, आए दिन की हड़ताल और फायरिंगों से ना काम ठप हो गया है। पिछले दिनों ना मेरे पॉलर में काम करने वाली तैयब अभी ना पूरे 1.5 लाख का गबन करके भाग गई है। हाँ तो कमा रही है तो गबन करेंगे ना लोग। 2 लाख दे दे छोड़ दूंगी, वरना सारी जिंदगी सारी हयाती जेल में सड़ना है तुझे, समझी? हमारा दिमाग खराब मत करो, हमारा टाइम खराब हो रहा है। हमने कह दिया है हम तुम्हारा ये काम नहीं करेगा, और ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं करेगा। भाग जा, कह दिया ना नहीं करेगा, बकवास मत करो। हमने बोले ना कि हमको फिल्म में काम नहीं करना, हमको एक्टिंग करना होता है तो फिल्म में कर लेते। तो हम फिल्म का डायरेक्टर हमको फिल्म में ले रहा था, वो हमको भी लगा लेता।
रख जा। क्या हुआ बंगाली बाजी, आपकी नाक इतने गुस्से से फड़क क्यों रही है? रंग भी कुछ दबा हुआ लग रहा है। टेलीविजन का एक डायरेक्टर हमारा को फिल्म को ऑफर दे रहा था, बोल रहा था 8 मूवी बनाएगा, बोल रहा था कि हमारा फिल्म का हीरोइन बनेगा तुम, बहुत ज्यादा गुर्बत दिखाना है, काला काला नंगा नंगा धड़ंगा बहुत सा दिखाना है, कचरा का ढेर, इधर औरंगी में शूटिंग होगा, और बोल रहा था बाहर का मुल्क में पाकिस्तान का कचरा केस होता है केस। अल्लाह बंगाली बाजी कर लेना फिल्म में काम, बहुत अच्छी लगेंगी। मगर करेगा तो सिर्फ कॉमर्शियल फिल्म करेगा, तुमने हमारा डांस नहीं देखा, हम ढाका का बुलबुल अकेडमी में डांस करता था, नमूना रखा है तुमको। गुरबाइल से क्या छूना गुलाम नबी, गुलाम नबी चुकुता है खिलन मरता है। मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आपके लिए जरूर फिल्म बनाती। हीरो किसको लेते? निसार कादरी और चपकर चीमा को, दोनों बहुत खूबरू नौजवान है। हमारे खान दोनों लड़के का नाम बोल देना, हमारा बॉयफ्रेंड से हमारा ब्रेकअप हो गया है वैसे। अब काम की बात पर आ जाए बंगाली बाजी। ओ कहीं तुम अपना 8वां शादी कर लिया, ताबीज तो लेने नहीं आया? नहीं बंगाली बाजी, मेरा तो मर्दों पे से एतबार ही उठ गया। हाँ, 100 शादी फिलाप होने के बाद हर औरत का एतबार मर्दों पे से उठ जाता है। 3 मुर्गे कह लें बंगाली बाजी या 3 गधे फांसे हैं मैंने। वो मत बनाने का वास्ता, तुमको हमने अपना बॉयफ्रेंड बदल भिन्न बनाया है, इसी वास्ता हम तुमको पहाड़ी उल्लू का गोश्त कॉम्प्लीमेंट्री देगा। तुमने पहले भी 2-3 मर्द लोग को खिला के फूसा है, अब दोमत पर आजम हम कुछ तावीज भी देगा। अल्लाह मेरी बंगाली बाजी को लंबी उम्र दे, आपका साया हम पर सलामत रहे। आपकी वजह से ना हम जैसी कितनी औरतों की जिंदगी जन्नत का नमूना बनी हुई है। काले आदमी के यहाँ हमार खाना पर सैयद नूर से मुलाकात हुआ, बहुत प्रिय औरत है, बोला आपका उम्र का औरत हमारा आइडियल है। हमने भी कह दिया मगर तुम्हारा उम्र का मोरत हमारा आइडियल नहीं है। चल जल्दी कर डांस दिखा। सुहागन को सजना अभागन बना दे, नहीं नहीं अभागन को सजना सुहागन बना दे, जो सोए है अरमा उनको जगा दे, जो सोए है अरमा तो उन अरे एंजॉय द लाइफ हो रहा है फिर। बस कर दो। नहीं नहीं हो रहा, ला फिर मैं तुझे एंजॉय द लाइफ कराती हूँ, मजा नहीं आ रहा ना, ए ठहर जा। अरे ना मेरी बच्चियों, अगर चाहे ये बुर्का पहनने वालियों ने ना मजारे कायदे आजम और स्कूटरों में बैठ बैठ के बुर्के की मट्टी पलीत करती है, फिर भी लोग ना बुर्का पहनने वालियों को नेक बीबी समझते हैं। ये अकल के पैदल और गोबर के दिमाग वालों को ना उन्हीं की लाठी से हाँको। पहने रहो ये नाम नेहा शराफत का चोला, क्योंकि शराफत की आड़ में ना उल्लू सीधा करने का जमाना है। हाँ अम्मा मैं तो तेरी बातों से बहुत सीखती हूँ। बाद बा नसीब मेरी बच्चियों, माँ की बातों को ना किरा में बांध लो, क्योंकि मेरे बाद ना मेरी जगह पे तुम तीनों में से किसी एक ने तो बैठना है ना। अम्मा वो चीजें तो तकसीम कर दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, पकड़ ये ले,
ये 302 वाले लवाजमात हैं। अम्मा वैसे गोश्त तो रख लिया था ना? हाँ हाँ, इसी में तो है अंधी। तू होगी अंधी। वैसे तो इस गोश्त की रेसिपी कुकिंग शो में आनी चाहिए। अम्मा वैसे आता भी है तुम्हें ये बनाना? हाँ हाँ, कई दफा पकाया और ऐसा पकाया लजीज के लोग ना उंगलियां चबा डालते थे। क्या वाकई से खाने से तब्दीली आती है? अम्मा शक नहीं होता? अरे नहीं, जब मेरी माँ जिंदा थी ना अल्लाह बख्शे, तो बुलबुले हजार दास्तान में रोज गोश्त आया करता था। और मेरी माँ अल्लाह बख्शे ऐसा लजीज कोरमा बनाती थी कि बस ना पूछो। मैं जाके मसाला भूनती हूँ, तुम उस गंजे को अभी से कह दो कि रात का खाना हमारे साथ खाए। जिसने भी उल्लू का गोश्त खाया है सारी जिंदगी ससुराल के तलवे चाटता रहा है, गुलामों से बदतर जिंदगी हो गई उसकी। तो आइए फिर चल के देखते हैं कि आज फरहत बाजी हमें उल्लू के गोश्त की कौन सी रेसिपी सिखा रही हैं। ये तरकीब सिर्फ दमादों पे आजमाई जाए या शोहरों पे, खुद खाने की कोशिश ना करना वरना खतरनाक नतीजे होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं तुम्हें ना पूरे 1,00,000 रुपए कैश दे दूंगी। और ना जीना, 2,00,000 से एक पाई कम नहीं, और जो ज्यादा तूने शोर मचाया ना तो 2,50,000 भी हो सकते हैं। म्याई कमीन। ओए क्या बोली तू रूह अफ़ज़ा? मेरा मतलब है मैं अंदर आ सकती हूँ? ओए अंदर आने के लिए कौन पागल का बच्चा इजाजत लेता है? ये मैनर्स होते हैं शाहीना फिरकी तमीज और तहजीब के। ये किस मुलजमा के तूने मुर्गा बनाया हुआ है? तेरे मल्ले की है शादा ब्यूटी पार्लर वाली। डोंट टेल मी। ए मुर्गे, सिर खड़े होके दिखा। ओए 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 मुर्गा बन, मुर्गा बन, सुने नहीं मैं? बहुत अच्छा किया शाहीना फिरकी, ये बच्चा तो इससे भी कहीं ज्यादा इंसानियत सोच सुलूक के लायक है। मैं इस औरत से शदीद नफरत करती हूँ। I hate her. हाँ बोल जामे शीरी। ओ मेरा मतलब है रूह अफ़ज़ा, बोल क्या मसला है तेरा जो तू थाने चली आई है? शाहीना फिरकी, क्योंकि तुमने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, मगर इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसे मैं ही अपना दुखड़ा सुनाती। उस गंजी औरत की माँ ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है और वो भी पुलिस में मेरी रिपोर्ट कर रही है। रूह अफ़ज़ा, मैं अभी थाने फोन लगा रही हूँ, सीधी शराफत से मेरे 10,000 ढील कर दे। एक रॉयल फैमिली की लड़की से ऐसा सवाल करने की आपकी जुर्रत भी कैसे हुई? एक लम्हे को भी आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाई? आपके दिल में ये अंदेशा पैदा ना हुआ कि ऐसा सवाल करने की आपको कितनी भारी कीमत देनी पड़ेगी? अफ़ज़ा जैसी रिस्पेक्टेबल फैमिली की मॉडिस्ट गर्ल को अगर पुलिस कड़ियां डाल के ले जाएगी तो क्या होगा? मेरे मुख्तसर वजूद वाला शौहर मुझे ताने दे देकर मेरी जिंदगी जहन्नम बना देगा और महल्ले वाले मुझे थीफ गर्ल का टाइटल दे देंगे। Please try to understand. The situation is so dangerous. इतनी खतरनाक है जितनी खतरनाक फिल्म में अनीता के रक्स भी नहीं थे। प्लीज मेरे साथ चली चलो, उस बुढ़िया का दिमाग ठीक कर दो। मुझे घर जाकर चुकंदर गोश्त भी चढ़ाना है, वैसे तो उसे खिचड़ी चुकंदर कहना चाहिए। चलोगी ना मेरी सखी, मेरी सहेली, मेरी हमजोली? चलोगी ना? मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, नाम लेकर तेरा गीत गाई गुनगुनाई, दिल जलाई मेरा हो जाऊँ कहाँ। चली हट अब हमसे ना छुपा, चली हट अब हमसे ना छुपा, सच सच बता वो कौन है, सच सच बता वो कौन है।
लाहौर कौन होने तेरा भनोई है। मैंने तो अल्लाह की कसम जिंदगी भर उसके अलावा किसी से सेटिंग नहीं की। हालांकि अभी भी महकमे पुलिस के सारे खूबरू नौजवान मरते मेरे ऊपर। चल वही चल देख लेते हैं तेरी बुढ़ी माई को, लगाऊं उसको फटे में। थैंक यू वेरी मच। मेरे अच्छे वाले को देख कर आ, देख लो देख लो। मैंने कहा था ना कि चौक से चिंची कर लो, तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। भूख तो रोड पे चलना पड़ रहा है। अरे हाय मुझसे तो अब चला नहीं जा रहा, मेरे पैरों में दर्द हो गया, मैं यहीं बैठ रही हूँ। सुन पैर दबा दे। पैर तोड़ दूंगी मैं तेरा, मर जा। और दुपट्टा सही करके पहन, रोड पे बैठी हुई है। अपना देख ले पहले। सुनिए टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? देखिए रमजान है और इसमें हर मुसलमान को ना अपना अखलाक अच्छा रखना चाहिए। और भाईजान हर इंसान को ना अपनी आंखों में भी कुछ बर्दा रखना चाहिए रमजानों में। वैसे इफ्तार का वक्त करीब है। हाँ तो तुम्हारा कौन सा रोजा होगा? शक्ल से ही चर्सी लगता है। वैसे आप लोग अपना अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दें, ईमान से 100-100 रुपए का इजी लोड करवाऊंगा। आए हाय खुदारा, जरा मैं इस मोटरसाइकिल से उतर के तो बात करो ना, जरा उतरो तो सही। एक तो वैसे ही अपाहज वाली लग रही, कहीं तुम अपाहज तो नहीं हो? देख लीजिए बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। तो बहुत सुन, तुम्हारे जैसे ना हमने चूहे जैसे लड़कों ने अपने कुचल दिया है गाँव में। ज्यादती कर रही है आप ये। ज्यादती करी, चला निकलो। अच्छा रुक जाओ, कोई नई चाल लग रही है मुझे। नहीं नहीं चाल कैसी, वो दरअसल हमें जरा जामा क्लास तक छोड़ दोगे? देखिए आप तीन हैं, दो बारियां लग जाएंगी। खैर हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। नहीं 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 दो बारियां नहीं एक ही लगेंगी, तुम टंकी के बैठ जाओ, हम तीनों घुस जाएंगे। चल 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 चल, की मर्जी है। आगे हो आगे, चल 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 चल। मलूजा रूह अफ़ज़ा, ओ बुड्ढी और उसके मुंडे को बुलाओ ना। हेलो आपका।